बिग बॉस 14 में सोनाली फोगाट ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है। टिकटॉक स्टार, एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली ने पहले दिन तो अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बातों बातों में ही मंगलवार को उन्होंने यह जरूर कह दिया कि घर के लोग अभी उन्हें जानते नहीं हैं। बिग बॉस में एंट्री से ठीक पहले सोनाली फोगाट ने नवभारत टाइम्स से खास बातचीत की। अपनी बातचीत में उन्होंने घर के मेंबर्स को लेकर अपनी राय जाहिर की। सोनाली का मानना है कि राहुल महाजन का शो में कोई काम नहीं है, जबकि एजाज खान ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है। वो अभिनव शुक्ला को भी ऐसा ही मानती है। सोनाली का कहना है कि अभिनव सिर्फ रूबीना के पीछे पीछे खेल रहे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनके हिसाब से मौजूदा कंटेस्टेंट्स में से किसमें शो जीतने का दम है, तो सोनाली ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें रूबीना में वह बात नजर आती है। आपकी नजरों में वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका कोई काम ही नहीं है शो में? राहुल महाजन का मैं कहना चाहूंगी कि वो आराम से बैठे रहते हैं, जब उनको कोई कुछ कहता है फिर उस पर रिएक्ट करते हैं, बोलते फिर बैठे बैठे बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसे था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल महाजन भी चुपचाप बैठे हुए हैं और अभिनव भी थोड़ा चुपचाप ही है, क्योंकि वो बस रूबीना के लिए ही है, शो के लिए नहीं। जी अच्छा सोनाली, जैसे कि अभिनव की अभी आपने जिक्र किया, तो अभिनव टॉप फोर में पहुंच चुके थे और वो सेकंड फाइनलिस्ट थे एजाज के बाद, तो आपको क्या लगता है कि अभिनव की ये खुद की मेहनत थी, खुद की कुछ स्ट्रेटजीज थी, या वो रूबीना के पीछे पीछे उनका पल्लू पकड़ के चल रहे थे और इसलिए उन्होंने ये सफर तय किया, इसे आप कैसे देखती हैं? हाँ देखिए, अभिनव में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो उसको बाहर लेके ही नहीं आना चाह रहे। वो रूबीना से भी बहुत बेटर कर सकते हैं, बड़े सुलझे हुए लगते हैं मुझे, बहुत सुलझे हुए लगते हैं, वो बहुत बेटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूबीना को आगे लाने के लिए अपने आप को स्लो कर लिया और डाउन है। ओके ओके। और शो में एजाज बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं, एजाज पर आप कुछ कहना चाहेंगे एजाज के बारे में? एजाज बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और एजाज को लगता है कि मुझसे बेटर कोई है ही नहीं, तो मैं ये सब मैं कर जाऊंगा और मैं ट्रॉफी हासिल करूंगा, एजाज को ऐसे लगता है। ओके ओके। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे और था, अली गोनी और जैस्मिन जो ये दोनों जो हैं, अभी अली गोनी बीच में चले गए थे, तो हर किसी को ऐसा लगता है कि अली गोनी के बिना जैस्मिन दूसरी है और अली गोनी के साथ जैस्मिन दूसरी है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अली की वजह से अली उन्हें ओवर पार करने की कोशिश करते हैं शो में? देखिए अली के बिना जैस्मिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है जी। और जैस्मिन को लगता है कि अली के आने के बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन अली के आने के बाद जैस्मिन अली में खो जाती है, अपना गेम पे उसका कोई ध्यान नहीं है। जी करेक्ट करेक्ट। और एक चीज ये बताइए, आपको क्या लगता है शो कौन जीतेगा? अगर जितने अभी अगर मैं आपको हटा के बाकी भी जितने हैं घर के अंदर, उनमें से आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, किसमें वो स्पिरिट है? देखिए वैसे तो चार पांच लोग हैं जो आगे आ सकते हैं, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, तो उसमें कौन इस चीज का फायदा उठा के आगे निकल सकता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, तो मुझे रूबीना का ही लगता है। रूबीना की बहुत सभ्य तरीके से खेल रही है और बहुत ज्यादा शार्प माइंड है उसका, बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, तो उसके अंदर क्वालिटी बहुत है, तो वो इस तरीके से इतना शार्प माइंड के साथ चल रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूबीना ही हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, उन्हें बहुत प्यार होगा। जी अच्छा एक फैन फॉलोइंग और वैसे वहाँ पे गेम का असर होता है शो में, मुझे जहाँ तक लगता है कि गेम कौन अच्छा खेल रहा है, कौन एक दूसरे को मात दे सकता है, अगर उसमें कोई ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली बात नहीं है, अगर ना भी हो, जैसे दूसरे एजाज को हम ले ले, रूबीना की बजाय उनका फैन फॉलोइंग इतना नहीं है, लेकिन एजाज अगर थोड़ा सा संयम रखे और ढंग से खेले तो एजाज भी जीत सकते हैं।